गाइस, आज हम करने वाले हैं A to Z फूड ईटिंग चैलेंज और हम दोनों में से जो पहले सारे अल्फाबेट से शुरू होने वाला खाना खा लेगा और सबसे पहले घर वापस आएगा उसको मिलेंगे पूरे 10,000 रुपए। कौन देगा? अगर तू जीता तो मैं दूंगी, मैं जीती तो तू देगा। अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं अपने चैनल पे नाम ना रखा करता, वहाँ फ्री में दुआएं बटवाता लोगों को। तेरे पास 10,000 रुपए भी नहीं भाई, मैं इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता, मैं चलता। अरे नहीं, अच्छा ठीक है, ऐसा करते कि अगर तू मुझसे पहले आ गया तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगी। ये डील बढ़िया लग रही है। तेरे पास ऑप्शन है, तू गाड़ी, स्कूटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल, तेरी मर्जी है। तू कैसे जा रही है? मेरी मर्जी, मैं क्यों बताऊं तुझे? हम तो देखो गाड़ी से चलेंगे, हमें ना थोड़ा गर्मी और बहुत है बाहर, तो हम चलेंगे गाड़ी से, हम फिर भी आ जाएंगे पहले, दूसरे कोई दिक्कत नहीं। चलो गाड़ी के बाद इस चैलेंज में सबसे बड़ा रूल ये है कि हम एक शॉप से सिर्फ एक आइटम ही खा सकते हैं। गाइस, अभी हम जाएंगे एक ऐसी मार्केट में जहाँ पे हमें मैक्सिमम सारा सामान मिल जाएगा, इसलिए हमने गाड़ी उठाई है ताकि हम जल्दी से फास्ट ड्राइव करके उस जगह पहुँच गए। गाइस, हम लोग मार्केट पहुँच गए भाई, रोक 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 रोक। तो गाइस, सबसे पहले मैं खाना ए से, तो ए से मेरे दिमाग में एकदम एप्पल आता है क्योंकि बचपन में पढ़ा है ए फॉर एप्पल। तो गाइस, हमारा पहला लेटर है ए, ए से होता है एप्पल। आ जा मुझे एक ही चाहिए। गाइस, ए से एप्पल मेरा फर्स्ट लेटर। बी से बनाना। आ जाओ। अरे यार, बनाना तो मिल गया, दुकान वाले भैया ही नहीं है यार, वो लोग ना आ जाए। मुझे लग रहा है ये मार्केट हमारे घर के पास है, वो यहाँ ना आ जाए। कितने का एक? कर दो जल्दी से भाई। बी से बनाना। पता है सी, सी से क्या होता है? सी से होती है चॉकलेट। कैसे भूल गई मैं, मेरा दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है भैया। चॉकलेट है यार, एप्पल खाया नहीं जाएगा। ऐसे एल्पेली में भी टॉफी है, एल्पेली में टॉफी है। नहीं दे दो, कोई सी भी चॉकलेट दे दो। गाइस, हमें ब्रांड से क्या करना, हमें तो चॉकलेट खानी है। गाइस, सी से चॉकलेट आ चुकी है हमारे पास, सी भी कंप्लीट हो गया हमारा। अरे छोड़ यार, टॉफी हम सेव खाते हैं, एप्पल दे देना। फाइनल गाइस, ए डन हो गया, एप्पल मिल गया हमें। तो गाइस, सी से हमने खा लिया चॉकलेट, अब डी से ढूंढते हैं, आगे देखते हैं डी से कुछ होगा। यहाँ पे देखते हैं डी से कुछ सामान मिलेगा खाने का। डी से देख लो। अब अपने को चाहिए बी से, बी से वैसे तो बनाना मिलता है, बनाना शेक मिलता है। भैया दो बनाना दे देना। डी से, डी से, डी से, डी से। गाइस, अपना बनाना भी डन हो गया, बी डन हो चुका है। डोरिटोस, डोरिटोस, डोरिटोस। आपके पास डोरिटोस होगा क्या? गाइस, डी से हमें मिला है डोरिटोस। आज हमें ए से लेके जेड तक फूड खाना है। ए से जा सकते हो आप, चलते हैं ए बी सी डी ई। मैं एक ही दुकान पे मन करता है खड़ा होकर यहाँ सारा ए टू जेड मंगाऊं और सब खा दूं। मेरे को पहले तो इतना कुछ याद आ रहा था, अब जैसे चैलेंज स्टार्ट हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा यार, कहीं मैं जीत ना जाए। ए और बी चलो अभी तो आसान है, पर मैं सोचता हूं यार क्यों से क्या आएगा, मेरे दिमाग में यही चल रहा है जब से चैलेंज हुआ है, क्यों से मैं क्या खाऊंगा। इसी मार्केट में घूम रहा है। तो तुम अभी यहां से जा रहे हो कि यहीं पे हो? हमारा एल तक हो गया है। एल का? एल, एल से लिकर पी थी ना। हां, तुम्हारा कितना? हमने नहीं बताया कि चलो गाइस। भाई ये लोग बड़ी फुर्ती दिखा रहे हैं, पर तुमने वो कहानी सुनी है खरगोश और कछुए वाली? आज खरगोश बहुत फुर्ती दिखाता है पर एंड में कछुआ जीता, तो मैं कछुए की तरह धीरे धीरे कंसिस्टेंटली धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। सुन, मैं सी से कोका कोला लेना है अपने को। इलायची, इलायची वाली सिगरेट, सिगरेट भी होंगी हम में। तो गाइस, ई से हमको मिल गया ये एपिगामिया योगर्ट। भैया एक छोटे वाली कोक दे देना। तो गाइस, सी से हमने कोका कोला पी तो ली, पर उस दुकान में इतना सामान था, डी से, ई से, एफ से, मैं चाहता वहाँ जेड तक कर सकता था, पर वो जो रूल है ना कि एक दुकान से एक आइटम खाना, वो रूल बहुत घटिया है। इतनी सारी चीजें खाने की पर मैं कुछ भी पूरा खा नहीं सकती यार, हद है यार। डी से क्या मिलेगा? डोरिटोस दो। अरे भैया ने यार बड़ी मदद कर दी, डोरिटोस बता दिया, बहुत बढ़िया गाइस, डोरिटोस मिल गया। वैसे मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद तो पॉपकॉर्न है, पर ठीक है, चैलेंज है, चलेगा। एफ से याद हो गया, एफ से होता है फैन, मैं फैन खाऊंगा। इक्लेयर टॉफी मिलना मुश्किल है, अब कोई बेचता होगा इक्लेयर टॉफी? इक्लेयर टॉफी होगी भाई, और कोई दुकान चाहिए ऐसी टॉफी टॉफी की जिसपे इक्लेयर मिले? इक्लेयर टॉफी दे दो यार, एक चाहिए, एक चाहिए बस। इसे इनो दो यार, इनो दो, इनो खाना पड़ रहा है यार, टॉफी नहीं मिल रही। इनो सस्ता तो है कम से कम। अंकल एक फैन का पैकेट दे दो। फैन, फैन। अपने पास दो टास्क है, पहले तो फैंटा ढूंढनी है, दूसरी बात ऐसी कोई दुकान ढूंढनी है जिससे हमने कुछ ना लिया हो, तो ये दूसरा जो टास्क है ज्यादा भारी पड़ रहा है अपने। फन प्लीज भैया ये दे देना एक पैकेट। तो गाइस, एफ से होता है फैन, ये लो, आप ले लो सारा। 10 का 1 है गाइस, फन प्लीज। ऐसे मुझे पसंद बहुत है पर मैं ज्यादा खाऊंगा नहीं आज। लो खा लो, बोल दो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे जल्दी जल्दी होता रहा तो बहुत जल्दी जीत जाएंगे। अब चाहिए जी से, जी से मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है पर वो गंदी है। जी से अपन खा सकते हैं अंगूर, अंगूर मतलब ग्रेप्स।
सामने मिलेंगे। इस दुकान पे मैं अभी तक नहीं आया हूँ, तो इस दुकान पे भी देख सकते हैं जी से क्या हाथ गम्स, जैम्स, जैम्स। भाई एक पैकेट दे दे। मिल गए जैम्स, मिल गए भारी। भाई सुबह से इतना अड़ंगा बड़ंगा टूसा है ना मैंने, और जब तुम इतना भर के जंक फूड खाते हो ना, तो ऐसे में अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं डेली मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश और हफ्ते में एक बार मुल्तानी मिट्टी फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। इनमें मुल्तानी मिट्टी, बल्गेरियन रोज, नायासिनमाइड और विटामिन ई की गुडनेस है, और ये ऑयल और एक्ने को कंट्रोल करके हाइड्रेशन और स्किन टोन को प्रमोट करते हैं, वो भी स्किन को ड्राई किए बिना। और मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल फ्री है, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। और भाई अगर आप लोग भी खाने पीने के शौकीन हो ना, तो आप भी अपने लिए मंगवा लो ये प्रोडक्ट्स और मेरी तरह टेंशन फ्री हो जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना तो 20% ऑफ भी मिल जाएगा। और मामा अर्थ की सबसे बढ़िया बात, जब भी आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो या आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक करके एक पेड़ लगाते, मामा का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाना। और मामा के प्रोडक्ट्स अभी ई कॉम लाइक नाइक, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है। अगर आपको कहीं दिखे तो कमेंट करके जरूर बताना। हमें जा रही हूँ खाना ढूंढने, वरना माइक जीत जाएगा। हमें जी से मिल चुका है गोल गप्पे, जो लड़कियों के सबसे ज्यादा पसंदीदा होते हैं। मैं कछुआ हूँ। कांटे वाला भी खिला दो। गोलगप्पा तो गोलगप्पा होता है या एक हैप्पी एंड दो यार। एंड में काम आई गए भैया, अभी हैप्पी एंड मिल गई। जी से गोलगप्पा खा लिया, एच से क्या होता है? हजमोला, हजमोला। भैया हिंगोली है आपके पास? एच से हिंगोली होती है। आई से अपने को आइसक्रीम मिलेगी 24/7। मुझे आज जेड तक सब खाना है। अच्छा जी, ए से लेके जेड तक, जो पहले खाएगा वो जीत जाएगा। एच से हिंग पेड़ा। आई अब आई से खाएंगे कुछ। आई से क्या होता है? आइसक्रीम। जल्दी चलो, तेजाब बन गया। नाम मत पढ़ना, कोई सी भी है तो आइसक्रीम ही। आपके पास कुछ आई से खाने का है? नहीं है। आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? आइसक्रीम आगे शॉप है। आइसक्रीम हमको भैया ने बताया आगे, तो खाना आइसक्रीम की। ऐसे क्या मिलेगा भैया, जूस दे देना मौसमी का। चल नहीं जा रहा भाई, पेट को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करना चाह रहे हैं आज। आइसक्रीम खाते हैं, एपिडेंट खाते हैं, फिर जूस पी लेते हैं। आई से हमको इमली मिली है यहाँ पे, थैंक गॉड कुछ तो मिला। आइसक्रीम ढूंढते ढूंढते आपको पता है 1 घंटा हो गया। आ गया ABCDEFGH। आई जैसे जूस कौन सा, ये छोड़ दो। आए आइसक्रीम के ऊपर इतना खराब लग रहा है ना जूस। भैया जैसे कोई खाने की चीज होती है जैसे, जैसे कुछ खाने का है क्या आपके पास? नहीं कुछ, आपको पता है जैसे क्या आती है खाने की चीज? जैसे कुछ भी नहीं है। कुल्फी वाले भैया कहाँ गए? जैसे खाने का क्या होता है यार? जैसे जैक फ्रूट होता है, जैसे और क्या होता है? जामुन, पर जामुन का तो सीजन ही नहीं है। जैसे 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 जीरा मिल जाएगा। जीरा जैसे होता है, जैसे होता है। कहाँ पे कुल्फी वाले भैया, देना 20 वाली। बस 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 गाइस, जैसे हम खा रहे हैं जीरा। ओके उल्टी जैसे मन हो गए जीरा खाते। अब हम कहेंगे के किटकैट आता है, कैसे कैसे केचप आता है, केसर तो बहुत औकात से बाहर की चीज हो गई। गाइस कैसे कुल्फी के हो चुका है आज, किस्मत थोड़ा सा तो साथ दे रही है, कुल्फी हमको सामने ही मिल गई। भाई सामान तो बहुत सारा है इस मार्केट में, तो दुकानें सारी हमने टच कर दी हैं। अब हमें एल से कुछ ढूंढना है, और एल से क्या होता है? निम का है भैया, उनका कितना पहुंचा होगा कोई आइडिया है? एल से मिठाई की दुकान पे मिलता है लड्डू, एल से लस्सी भी होती है, तो हमारे पास दो दो ऑप्शन है यार। एक काम करो लस्सी दे दो। मयंक कहाँ पहुंचा होगा, मुझे टेंशन हो रही है। निम का दो ना। निम का नहीं, ये आई हमारी एल से लस्सी। नींबू लेना है। अरे यार नींबू कच्चा ही खाना पड़ेगा अभी एकदम, इससे पहले क्या कुल्फी खाई यार। कोई सोचेगा दारू का नशा उतार रहा है लड़का दोपहर में। तो इसी दुकान के सामने हमें एक फ्रूट की दुकान दिख गई है, जहाँ पर एम से मैंगो भी है और एम से मैंगो शेक भी है। तो हम जा रहे हैं मैंगो शेक पीने। भैया एक मैंगो शेक दे दो। एक मैंगो शेक दे देना, सबसे छोटे वाला देना। एम से आ गया हमारा मैंगो शेक। ये तो सजा रहे हैं, सजाऊं मत यार, जल्दी करना है काम हमें। बढ़िया, मजा तो आता है खाने पीने में। अब हमको एंड से कुछ ढूंढना है, और इस मार्केट में कोई दुकान नहीं बची है, तो अब हमें मार्केट चेंज करना पड़ेगा। नमकीन ले लेता हूँ, नमकीन कोई भी एंड से होती है। नन, एंड से होता है नींबू पानी होता है, कहीं नींबू पानी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। नमकीन भी दिख रही है, नमकीन प्रोडक्ट का नाम। आपके पास कुछ एंड से होगा खाने का? आपके पास नमकीन है? नमकीन ये तो रही, अरे तो बहुत छोटी नहीं है, खुली है तो थोड़ी सी, खुली भी नहीं है। एंड से नमकीन भैया क्या आपकी दुकान है ना? हाँ, एन से नमकीन होती है ना, जो नाम है नॉर्थन एपीएनसी है, वो भी नवरत्न नमकीन। ये क्या तो ये होगी हमारी एन से नमकीन। तो अब हमें ओ से कुछ ढूंढना है, ओ से, ओ से, ओ एस, ओ यस। नटखट नहीं, नटखट, नटखट पहले खाएंगे फिर देखेंगे। हाँ
चैलेंज मेरा खा अंकल है और खाना नहीं खाना खा लो गाइस नट क्रैकर मिल गए यहां से नट क्रैकर खाते हैं सब दुकान वाले सोच रहे हैं मैं कितना बड़ा हफसी हूं जहां जाता हूं सामान खरीद के खा लेता हूं डन उन अंकल की दुकान बची है वहां पे एन से हमें कुछ नहीं मिला था बट ओ से मिल सकता है कुछ अंकल बस करो यार अंकल जी ओरियो का बिस्कुट नहीं है पीसे 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 गाइस अंकल आखिर में काम आई गए अंकल के पास एन से कुछ नहीं था ओ से मिल गया ठीक है ओरियो बिस्कुट डन वैसे पीसे क्या पीसे पिज़्ज़ा है अपने कहां पे उधर बाहर लगा हुआ है देखिए आप कहां है पिज़्ज़ा पेप्सी आप पी सकते हैं भैया पल्स टॉफी है कुछ तो है आपके पास लिमका तो नहीं दिया आपने पल्स टॉफी दो पीसे पेप्सी पी से पल्स गाइस अब आया है अब तक का सबसे डिफिकल्ट लेटर और वो है क्यू से तो आज तक मैंने जेन्युइनली कुछ नहीं खाया क्यू से कुछ खाने का है कुछ भी नहीं है गाइस 10 मिनट बर्बाद करने के बाद हमें समझ नहीं आ रहा क्यू से आता है कि हम कर रहे हैं गूगल क्यू से क्या आता है भाई चीटिंग की मानी जाएगी गूगल करना अलाउड है ब्रो नहीं अलाउड है करो तुम गूगल ढूंढो क्यू से क्या मिल रहा है टैगो बेल पे मिलता है क्यू से कैसे डीला करके कुछ आता है उनके पास नहीं मिला तो बहुत मारूंगा पहले बताओ मैं टाइम वेस्ट हो चुका मुझे डर लग रहा है माइंड ना जीत जाए क्या है क्वाकर ओट ये कहां मिलेगा क्वाकर ओट ये पाकिस्तानी फूड आ गए के सारे तो गाइस गूगल पे भी सर्च करने के बाद क्यू से हमें कुछ भी नहीं मिला क्यू से एक तो कुछ मिल नहीं रहा अब एक होप है अगर वो भी चलेगी तो बर्बाद हूं मैं क्यू से एक डिश है ना कैसे डीला हम कासा डीला कर रहे थे इतनी देर से अच्छा एक बात बताओ हमसे पहले कोई लड़का आया था यहाँ पे क्यू से कुछ ढूंढता हुआ इसका मतलब मैं क्यू पे नहीं पहुँचा क्यू से इस कासा डीला सॉरी कैसे धीरज बता रहा है कि इंडिया में मिलता है तो गाइस क्यू से हमारी डिश आ चुकी है ऐसा डीला हमारा क्यू लेटर होता है डन तो गाइस पूरी उम्मीद लेके कुकर ओट्स की तलाश में हम आ गए हैं दूसरी मार्केट में अब हम आर से कुछ ढूंढ रहे हैं भाई जल्दी चल आर से ढूंढ कहाँ है दुकान आगे तो है ओट्स मिलेंगे कौन सी कंपनी के हाँ क्विक करके ही चाहिए भाई मिलते हैं क्यों करके उठ मैंने सोचा विदेशी आइटम है कोई चाइनीज भाई ये तो दूध में खाने की चीज़ है दूध कहाँ से लाऊं गाइस थैंक गॉड दुकान खुली हुई है और यहाँ पे हमको राइस भी मिल जाएंगे और राजमा भी मिल जाएंगे पर दिक्कत ये है कि आप पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरे पर ऐसा लग रहा है खाने में जब भैंस चारा खाती है मैं कहाँ सरकत हूँ आर से कुछ है खाने का आर से तो कुछ तो होगा यार तो मैं आर से देखते हैं यार कुछ तो गाइस ये है आर से राजमा और आर से राइस भैया रोबजा है रोबजा दे दो रोबजा मिली आर से गाइस हम ऐसे ढूंढ ही रहे थे कि कुछ खाने का मिल जाए और हमको पता क्या दिख गया लक बाय चांस समोसा निशो भी जी पे थी हसत पी पे पहुंच गई पी पे कह रहा हूँ एच पे पहुंच गई होगी तो गाइस ये हुआ हमारा ऐसे क्या समोसा मजेदार है भैया और क्या मिला दिया इसमें ये बच्चा होगा अरे बच्चा होगा मिला मतलब कह रहा है ऐसी चीज मिला दी आपको बच्चा होगा ऐसे आप ज्यादा गोरी लग रही हो वीडियो में उतना गोरी नहीं लगता वीडियो में मैं मोटी भी तो लगती हूँ इसके ऐसे भी मोटी लग मोटी है नहीं क्या ऐसे मैंने उस दुकान में नोटिस कर लिया था स्टिंग मिलती है हमने अभी समोसा खाया और फिर मुझे याद आया कि भैया जो मेरे सामने खड़े वो भी समोसे के साथ में चाय पी रहे हैं और चाय को इंग्लिश में कहते हैं टी तो हम क्या पियेंगे अब टी भाई अपना स्टिंग का जुगाड़ हो गया है टी से भैया की दुकान पे कुछ ना कुछ होगा पहले स्टिंग पी लेते हैं टी चाहिए टी टी होती है भाई टी वो टी यस टी से तुलसी क्या है ये खजूर है हाँ ये तो पक्का खजूरी ना गुटका उटका तो नहीं है तो गाइस अभी हम आए हैं पूरंस और यहाँ पे मेरे को लग रहा है बहुत चांसेस है कि मुझे यू से कुछ ना कुछ तो पक्का मिल जाएगा अब गाइस अपना टी रन हो गया तुलसी जो भी है ये आइटम बस भगवान की वजह से गुटका ना होगा वरना मेरी मम्मी वीडियो देखेगी तो मारेगी गुटका खाता है तू उड़द दाल का ऑप्शन बचा दाल की दुकान पे चलते हैं उड़द दाल हाँ मस्त आइडिया है उड़द की दाल आती है वो खाएंगे यूनिबिक बिस्किट मिलेगा यहाँ पे कहाँ पे उड़द की दाल होगी दे दो एक पैकेट दे दो यू से हमको मिल गया यूनिबिक बिस्किट आ जाओ बड़ा अजीब है ये सब तो यू तो अपना कंप्लीट हो गया अब जल्दी से वी ढूंढते हैं कुछ अच्छा सा विक्स की गोली है गाइस हमारे साथ एक बहुत बड़ी बीटी हो गई है हमारी स्कूटी हो गई है खराब अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल और जितने भी हमारे लेटर्स बचे हम वो पैदल ढूंढेंगे विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो पहले विक्स की गोली खा लो गाइस वी से हमें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ा पर हम अभी एक शेक की दुकान पे आए और यहाँ पे हमको मिल गया वनीला शेक दिमाग में एक चीज आई है मेरे
डब्लू से मिलते हैं वॉलनट। वॉलनट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अखरोट। अखरोट। यहाँ पे आ गया हमारा वी से वनीला शेक। अखरोट होंगे भैया? वॉलनट दे देना एक पैकेट। गाइस अब हम लोग ढूंढ रहे डब्लू, और इसके लिए हम ऐसी गलियों में आ गए हैं ना, मोहल्ले वाली गलियां होती है ना उसके अंदर आ गए। भैया एक पानी की बोतल देना, सॉरी वाटर की बोतल देना। वाटर डब्लू से होता है गाइस। खाते रहो पीते रहो मजे लेते रहो। अब आ चुका है सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक का। एक्स से कुछ मिल ही नहीं रहा यार। स्कूटी एक्सालपा जापी न्यूज एंड सालसा। इस सालसा तो डांस होता है पंजाबियों का। आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसका नाम एक्स से शुरू होता हो? गाइस अब अपने को बस गाइस अब अपने को सिर्फ एक्स की टेंशन है। आपके पास कोई ऐसी चीज है जो एक्स से शुरू होती हो खाने की? पूरा स्टोर का एक एक प्रोडक्ट पढ़ रहा है पहली बार। तो फाइनली इसका नाम एक्स से शुरू होता है, यानी कि मेरा एक्स डन हो चुका। अब जल्दी से बाहर चल के सब बिल करा के इसको खाते हैं, फिर वाई और जेड को निकालते हैं। हाँ खा लेता हूँ। जैसे ये ओ से ऑर्बिट है तो एक्स से कुछ है? ये गाइस ये मिल गया हमें कुछ याकूल्ट है। गाइस हम तब से सोच रहे थे कि जैसे हम पास जेड आएगा तो हम जेड से क्या करेंगे, जीरा खाएंगे। जीरा जो है वो जेड से नहीं, वो जे से शुरू होता है, वो जीरा नहीं जीरा होता है जीरा। आपके पास ऐसी कोई डिश है जिसका नाम एक्स से शुरू होता है? सब्जी 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 जिमी कांड 65। अच्छा इसको कहते हैं शकरकंदी को। आपने ये नहीं बोलना कि जे से होता है क्या होता है, मैंने बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, बोर्ड पे जिमी कांड लिखा हुआ है। हमारे साथ फिर से धोखा हुआ है। यहाँ पे आके हमने चेक करा तो जिमीकंद जो था उसका नाम जे से जेड से नहीं है, उसका भी नाम जे से शुरू होता है गूगल पे। पर आज मुझे पता चली है बहुत ही बड़ी बात, मतलब तुम लोगों ने भी नहीं सोचा होगा जेड से इस चीज़ होती है जो हम खाने से डरते हैं बचपन से, तोरी। यहाँ आके पता चला उसको यहाँ पे इंग्लिश में कोई चूची नहीं बोलते। भैया दोस्त भाई ये क्या है? जुकिनी होता ना जेड से। हाँ इसका नाम गाइस जुकिनी है। जुकिनी चाहे गूगल कर लेना, जेड डबल ओ कू नी एन आई कू जो भी है, लोग सलाद में खाते हैं और मैं इस खा के अपना चैलेंज पूरा कर रहा हूँ। आई डोंट नो कैसी टेस्ट करती क्योंकि मैंने कभी नहीं खाई। बढ़िया ठीक है चल। गाइस ये लोग आ गए हैं, अब इनका स्वागत करते हैं। आइए आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइए 10,000 रुपए का है। भाई रुको जरा मुझे ये बताओ तुम जीते कैसे? तो 10,000 कैश दे मुद्दे की बात कर। अरे 10,000 रुपए मिलेंगे पहले थोड़ी हम भी देख ले कि तुमने कितना खाया है क्या खाया है ईमानदारी से किया है कि नहीं। टिंग थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू। तो क्या गूगल के गाइस मुझे शक था, मैंने आयुष से पहले ही बोला था ये चीज कि मैं घर जाती पहले इसकी गूगल हिस्ट्री चेक करूंगी इन्होंने क्या क्या गूगल करके खाया है। तो उससे कोई मतलब नहीं है ना, तुम भी खा सकते थे। तूने कब बोला गूगल नहीं करना, हमने खाया ना अल्टीमेटली सामान ढूंढ के। जुकीनी का क्या है गाइस? ये सेट से जुकीनी का क्या है? इसकी चक्कर देखो एक बार, एक बार इसका टोपड़ा देखो। और गाइस बहुत सारी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे इस मयंक को विनर बनाना ही पड़ा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बहुत अच्छी लड़की है। तो गाइस ये तो चला गया मेरे से 10,000 रुपए लेके और मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस चीज का, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको और भी ज्यादा फूड चैलेंजेस देखने हैं तो इस वीडियो पे करवा देना पूरे 1,00,000 लाइक और कमेंट करके बताना गाइस इस वीडियो का रियल विनर आपकी नजर में कौन है। अगर मैं हूं तो मेरा नाम लिख देना ठीक है। और यार सब्सक्राइब करो यार वीडियो देखते हो तो।